आपको लेके 50-50 है। हाँ। कोई खास विशेष लहर नहीं है किसी की। भाई जो विकास करेगा वोट उसी को जाएगा, मतदाता जागरूक हो गया है। और लेकिन एक बात कही जाए कि जो विकास हो रहा है उसके बेस पे तो वोट मध्य प्रदेश में मामा जी को ही जाएगा। मध्य प्रदेश का महाकौशल और इसका केंद्र है जबलपुर। हम जबलपुर में हैं और आज यहाँ पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश का जो चुनावी मिजाज है, मूड है, वो कैसा है। यहाँ के लोग मामा के पक्ष में ज्यादा है या फिर कांग्रेस के पक्ष में। हालांकि आपको मैं बता दूं कि कांग्रेस ने यू टर्न ले लिया है और इसी वजह से इंडिया का जो पूरा प्लान है वो मध्य प्रदेश में फेल हो गया है। दूसरी बड़ी बात यह है कि मामा के गढ़ में ही हिंदुत्व की परीक्षा होने जा रही है, क्योंकि ये हिंदू हार्टलैंड है। यहां पर हिंदू और सनातनियों को लेकर जो बातें कही गई उस पर लोग किस तरफ जाते हैं, क्या करते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। तो आइए लोगों से बात करते हैं, जरा समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं इस वक्त चुनाव से पहले। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? अशोक दीक्षित। अशोक जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? बिल्कुल। क्या अभी मूड कैसा चल रहा है मध्य प्रदेश का, जबलपुर का, चुनाव को लेकर? यार चुनाव को लेकर 50-50 है। हाँ। कोई खास विशेष लहर नहीं है किसी की। अच्छा। हाँ। तो मामा की वापसी इस बार लग रही है कि नहीं लग रही है? रिश्वत दे के तो कोई भी आ सकता। हाँ। वही हो रहा है। अच्छा, और क्या। तो ये जो लाडली योजना है वो उसको आप रिश्वत कह रहे हैं? सारी चीजें रिश्वत हैं, सभी दे रहे हैं। हाँ। नहीं तो जनता की भलाई के लिए कोई 500 का सिलेंडर दे रहा है। हाँ। कोई 900 का दे रहा है, रिश्वत तो सारे ही लोग दे रहे हैं। हाँ। हैं? लेकिन महाकौशल का मूड और जबलपुर का मूड क्या है? जबलपुर में तो बीजेपी आएगी। जबलपुर में बीजेपी आएगी? बिल्कुल। अच्छा। हाँ। तो मोदी जी का नाम, मामा का काम क्या यहाँ पर चल रहा है? मामा का तो नहीं पर मोदी जी का जरूर चलेगा। हाँ। मामा का नहीं चलेगा? मामा का नहीं चलेगा। मोदी जी ने एक सभा की और ऐसा लगा कि पूरा माहौल बदल दिया। बिल्कुल बिल्कुल। मोदी जी की सभा से माहौल बदला है क्या? बदलेगा बदलेगा, अभी इलेक्शन का टाइम आने दो। हाँ। बदलेगा बदलेगा। क्या जी, क्या नाम है आपका? महेश तिवारी। क्या लग रहा है कि मामा जी की वापसी हो रही है? जी होगी। हाँ? होगी। क्या ऐसा है कि मामा जी की महाकौशल में वापसी हो? सब चीज समझ रहे हो, कर रहे, गरीबों की मदद भी करते, हर चीज है। हाँ। हर जो भी अपना दिक्कत परेशानी सब सुनते हैं, सब सुनते हैं। तो मामा बैक होंगे एक बार फिर से वापस आएंगे। आइए। हाँ, एक मामा इधर भी हैं। मामा जी आइए, बाहर आइए। देखिए ये तो पूरे प्रदेश में मामा को लेकर चर्चा हो रही है और आप अंदर बैठे हुए, कैसे चलेगा काम? वो हैं पूरे मध्य प्रदेश के मामा और आप जबल और आप जबल जबलपुर के मामा हैं। मामा ही कहते हैं लोग यहाँ पर, आपको मामा कहते हैं लोग जबलपुर में। बहुत बढ़िया है। तो मामा किसके पक्ष में है, मामा के पक्ष में है या कांग्रेस के पक्ष? जो काम करेगा उसके पक्ष में। हाँ। और वर्तमान में जो व्यक्ति मध्य प्रदेश शासन में बैठा हुआ है वो काम कर रहा है। हाँ। क्योंकि पिछले 15 साल में हम लोग ने देखा कि बिजली के लिए रोए, पानी के लिए रोए, हर चीज के लिए रोए, पर अभी व्यवस्थाएं अच्छी है और सकारात्मक कार्य कर रहा है। जो सकारात्मक कार्य करेगा उसके साथ लोग। एक चीज और बताइए कि कह रहे हैं कि सनातन को लेकर जो बयानबाजी हो रही है उसके बाद मध्य प्रदेश का जो चुनाव है वो हिंदुत्व को लेकर पार्टियां क्या सोच रही हैं, क्या बोल रही हैं, क्या कर रही हैं, उसकी एक परीक्षा भी है। ये तो वर्तमान के विषय हैं, कल के दिन कोई झगड़ा हो जाए उसको भी विषय बना लेते हैं, तो ये विषयों पर मत जाइए। अब जो मतदाता है वो जागरूक हो गया और जो जागरूक मतदाता है वो सही निर्णय लेता है। अब वो समय चला गया कि आपने हमको साड़ी बांट दी, आपने हमको शर्ट बांट दी, या आपने हमको नकद दे दिया या शराब बांट दी, तो हम आपको वोट देंगे। अब तो वो लेने के बाद भी वोट हमको जिसको देना उसी को देंगे। सब ले लेंगे लेकिन वोट उसी को देंगे जिसको मन करेगा। आपका क्या नाम है? हमारा नाम रामाठार गुप्ता। गुप्ता जी, क्या इस बार मामा या कांग्रेस, कमलनाथ? देखा फिर जो आज यही आई ते ही देख। हाँ। अभी नहीं पता चल रहा है? अभी नहीं, कोई पता नहीं है, वो तो वोट के समय पर पता चलती है। हाँ। कि किसके पास जाएगा। हाँ। हाँ? तो आप लोगों का कुछ मूड बना है कि नहीं बना है अभी? मूड तो भाई जौन है तो उन्हें है। हाँ। तो अभी जो सरकार है उसको लेकर कैसा मूड है? अच्छी है। हाँ। तो अच्छी सरकार है? अच्छी है भाई, कहूँ खराब है? कोई खराब नहीं है, जो है सब अच्छा है। सब अच्छा हो जाएगा तो एक सरकार चुननी तो एक ही सरकार है ना?
चुनना एक है। हाँ एकदम मुद्दे की बात बताओ। देखो मुद्दे हमारी नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है। वोट दो हाथी पे और गोली खास हाथी पे, यही वाली कहानी तो नहीं कर रहा ना। हाँ वैसे मामा थे अपने, मामा ही को जिताएंगे अपन। वोट दो हाथी पर गोली खाओ छाती पर, ये सब मध्य प्रदेश में चलता है क्या? इस तरह की बातें होती है? नहीं सही कह रहे हूँ कि भाई जो विकास करेगा वोट उसी को जाएगा। अब मतदाता जागरूक हो गया है, और लेकिन एक बात कही जाए कि जो विकास हो रहा है उसके बेस पे तो वोट मध्य प्रदेश में मामा जी को ही जाएगा और सेंट्रल में मोदी जी को ही जाएगा। अच्छा, तो मामा और मोदी दोनों मिलाकर इस बार जो है फैक्टर जो है वो जबरदस्त फैक्टर। देखिए जहां तक मोदी जी की बात है, तो जैसे आप अभी उनसे उस तरफ बात कर रहे थे कि मोदी जी सभाएं कर रहे हैं तो उसका अंतर पड़ेगा नहीं, तो मोदी जी अपने आप में एक यूनिक पर्सनालिटी है। वो सभा करें या ना करें, उन्होंने अपना काम कर दिया है। अब वो सभा ना भी करें तो उनके वोट के में कोई गिरावट नहीं होगी। जो मतदाता है वो समझ चुका है पूरी तरह कि क्या करना है, क्योंकि उन्होंने समझा दिया और जिसको समझना है वो समझ चुका है। तो उनकी सभा करने या ना करने से वोट का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक चीज बताइए कि मोदी जी की सभा हुई वीणा में, हाँ। उसके बाद कांग्रेस की जो महारैली होने वाली थी, महागठबंधन की रैली होने वाली थी भोपाल में, हाँ। तुरंत कमलनाथ जी ने कह दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, रैली नहीं होने वाली है। तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया का जो प्लान था मध्य प्रदेश को लेकर वो फेल हो गया है क्या? बिल्कुल फेल ही है एक तरीके से। अगर इंडिया कहा जाए तो जो इस गठबंधन ने इंडिया INDIA नाम रखकर एक तरीके से मतदाताओं को भ्रमित करने का प्रयास भी किया है, क्योंकि इंडिया देश का नाम था, उसके उस नाम को एक तरीके से फायदे के लिए उपयोग किया जाने जैसा, पॉलिटिकल यूज ऐसा लग रहा है उस नाम को रख। नहीं तो आप कोई भी नाम रख सकते हैं, इतने पहले से NDA BPA ये वो सारे नाम थे आपके पास, लेकिन इंडिया रखने की ऐसी कोई आवश्यकता थी नहीं, पर आप उसको उपयोग करना चाह रहे हैं। दूसरी चीज, जब आप आपका काम फील्ड पर आता है तो फिर आपको मतदाता के पास जाने की जरूरत भी नहीं रहती। आप तो अगर सिर्फ ये अनाउंस कर दें कि मैं इस पार्टी से हो रहा हूं तो आपको वोट जाना है तो जाना है। कई ऐसे आपके पास एग्जाम्पल मिल जाएंगे, चाहे मैहर में देख लीजिए, विजरावगढ़ में देख लीजिए, वो चाहे किस पार्टी में भी रहे हो, मतदाता ने उनको वोट दिया है ना कि किसी पार्टी को। ठीक बात है, मतदाता ने उनको वोट दिया है जो काम कर रहे हैं। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? अक्षय विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी, क्या महाकौशल जबलपुर, क्योंकि केंद्र कहा जाता है महाकौशल का जबलपुर को, तो यहाँ पर किसके फेवर में लोग हैं? अभी तो फेवर का नहीं बोल सकता, लेकिन हम बीजेपी के फेवर में। आप बीजेपी के फेवर में? एक लाइन की बात है तो इतनी स्पष्ट लाइन आप लोगों की क्यों खिंची हुई है? काम है, काम देखते हैं, हम देखते हैं, काम देख रहे हैं, हो रहा है, बस काम के ऊपर है। तो मामा जी का जो काम है वो बोल रहा है, दिख रहा है। हाँ मामा जी का काम देख रहा है ना, अब वो जीते चाहे जीते, लेकिन हमारा बीजेपी फेवर है। आप बीजेपी की तरफ जाएंगे, बाकी मामा जीते नहीं जीते ये आपको नहीं पता? ये नहीं पता, लेकिन हम बीजेपी तरफ से। और कांग्रेस का जो इंडिया गठबंधन है, ऐसा लग रहा है कि वो फेल हो गया है मध्य प्रदेश में आके, क्योंकि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में यू टर्न ले लिया है, बोला है कि जो महारैली होने वाली थी महागठबंधन की वो नहीं करेंगे। अब उनका मैटर है, अब वो रैली तो करते रहेंगे, सभी राजनीतिक पार्टी रैली करते, खर्चा सभी कर रहा है, हमें काम से मतलब है, जो काम करेगा उसी का देखा जाएगा। तो कांग्रेस काम करेगी या नहीं करेगी, क्या लगता है आप लोगों को? देखिए पिछली बार 10 साल देख चुके हैं, हमने देखा है, इकोनॉमी पढ़ी है और थोड़ा देख रहे हैं, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है देख रहा है, रोड बन रही है, हमें आने जाने में दिक्कत होता नहीं है। पहले हमें 6 घंटे लगते थे कहीं जाने में, महिया जाने में 6 घंटे लगते थे, आज हमें 4 घंटे लगते हैं, 2 घंटे बचते, 2 टोल टैक्स लगते हैं, इसमें हमारे टोल का ही बचता है पैसा। चलिए तो ये काम बोलता है। नमस्कार, नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया। क्या नाम है? रमेश चौबे, एडवोकेट। एडवोकेट, हाँ। तो यह इस बार क्या है एडवोकेट लोगों का मूड? देखिए अभी तक तो स्वराज ने अच्छा काम किया है, अभी कर रहा है। आई एम नॉट सपोर्ट ऑफ बीजेपी या कांग्रेस, जो काम देख रहे हैं उसके हिसाब से तो ठीक है, काम पूरी अच्छे से कर रहे हैं वो। इतना जितने लोगों से अभी तक मेरी बात हुई है उसमें एक भी आदमी ने नहीं कहा है कि कांग्रेस आ जाएगी, तो क्या कांग्रेस बहुत बुरी हालत में है महाकौशल में और जबलपुर में? पिछला रिकॉर्ड 1947 से अभी तक का रहा, तो उसका अनुभव भी आदमी काउंट करता है। और मैं जो नहीं बोलता हूँ कि बीजेपी मोनोपोली जोन में है, लेकिन ठीक है, काम कर रही है, अच्छा कर रही है। और मोदी जी का जो सेंट्रल में है, डेडिकेटेड टू नेशन, पूरी कोशिश है, तो थोड़ा बहुत तो सिस्टमेटिक फेल्यूअर चलता रहता है, लेकिन
जीरो एरर कोई नहीं हो सकता, लेकिन कंपेयर टू अदर पार्टी, और जहां तक इनकी कोलेशन का सवाल है अपोजिट का, तो इन जोकरों को हम बहुत पहले देख चुके हैं। इनका ड्रामा कई बार आया है, सत्ता के लालच में यूनाइट होते हैं और उसके बाद ये स्प्लिट हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा नहीं है, पब्लिक कॉन्फिडेंस में नहीं आने वाली है। हाँ, बीजेपी की एक बात है कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी यूनिटी उनको काफी ऊपर तक ले गई है, उसको उसकी वजह यह है कि पब्लिक भ्रमित नहीं होगी, चाहे कोई गठबंधन आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, है ना, चाहे इंडिया नाम रख लें तब भी। ऐसा है क्या, इंडिया ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में फेल हो गया है, क्योंकि महारैली होने वाली थी, वो महारैली कमलनाथ जी कह रहे हैं कि नहीं होगी, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ तो इंडिया फेल हो जाएगा। तो उसका भी कारण है सर, कि जो सनातन पे उनने चोट पहुंचाई है, हाँ, उधर स्टालिन ने और इन लोगों ने उनका समर्थन किया है, जिस वजह से अब यहाँ क्या मतलब रैली निकालने, जवाब नहीं दे पाएंगे। तो इस बार क्या इसकी परीक्षा हो जाएगी कि सनातन पर जिसने चोट किया उसको जवाब मिलेगा? मिलेगा मिलेगा 100%, मध्य प्रदेश उसको जवाब दे देगा, दे देगा। तो इसके लिए आप लोग मानसिक तौर पर तैयार हैं? तैयार हैं बिल्कुल, पूरी तरह। क्या करेंगे? करेंगे अपना जितना होगा, पूरा सपोर्ट करेंगे। हाँ, किसको? मोदी जी को और मामा जी को। मोदी जी और मामा जी को सपोर्ट करेंगे भाई साहब, पूरा सपोर्ट करेंगे। आपका क्या नाम है? शिव कुमार। शिव कुमार जी, शिव कुमार जी, आपकी भी राय अभी जितने लोगों से मेरी बात हुई वैसी है या थोड़ी सी अलग है? 80% तो सर वही है जो सारे लोगों की राय है, कि एमपी में बीजेपी का ही शासन आएगा और शिवराज जी लौट रहे हैं। अच्छा, क्यों लौट रहे हैं? आप लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं, क्या वजह है? सर इसका पहला तो ये है कि हिंदू तत्व है जो वो बीजेपी को सपोर्ट करना चाहता है, क्योंकि बीजेपी हिंदू को सपोर्ट कर रही है। दूसरा कारण, इस समय जो भारत की राजनीति है उसमें बीजेपी का कद काफी ऊपर है, विकास की दृष्टि से और सारी दृष्टि से। तो ये जो कथा कमलनाथ जी, कांग्रेस भी कह रही है कि हम कथा करवाएंगे, है ना, मतलब धार्मिक आयोजन करवाने की तैयारी, तो वो आप लोगों को नहीं लगता कि वो लोग भी हिंदुओं के साथ हैं या सनातन के साथ हैं? सर वो सनातन के साथ अगर वो होते तो पिछले 50 साल में हिंदुओं की दुर्दशा नहीं होती, हमारे जो कश्मीर में जो समस्या इतने सालों से है वो हल हो चुके होते हैं, जो समस्या अभी भी हल नहीं हुई है, है ना। तो ऐसा तो नहीं कहीं से लगता कि कांग्रेस सनातन के साथ है। कांग्रेस सनातन के साथ नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार कोष्ठ है। क्या लग रहा है यहाँ से? जो जोधपुर से है, जो 8 विधानसभा अच्छी, जोधपुर नहीं जबलपुर, जोधपुर जोधपुर से जो 8 विधानसभा है वो बीजेपी ही आएगी पूरी। आप जोधपुर के रहने वाले की जबलपुर का हूँ? जबलपुर का ना, तो आप वो गलती से जोधपुर बोल दे रहे हो। जोधपुर नहीं बोला, जबलपुर ही बोल रहे हैं आप, इतनी जल्दी बोल दे रहे हैं। हाँ, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, तो क्या कर, 8 विधानसभा चली जाएगी? 8 विधानसभा सर जो है बीजेपी आएगी पूरा, और मामा जी का और प्लस नरेंद्र मोदी का जो काम है बहुत अच्छा काम है, जो आज सड़क विकास जो भी चल रहा है विकास का, सर बीजेपी के ही उस पे कर रहा है। ऐसा तो नहीं हो गया कि मैं गलती से कहीं ऐसी मार्केट में आ गया हूँ, ऐसी जगह आ गया हूँ जहाँ पर बीजेपी ही बीजेपी वाले हैं? सर नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर, ये अभी इसी मार्केट के रहने वाले हैं, इसी मार्केट के रहने वाले हैं, लेकिन अभी विधानसभा जो है कांग्रेस के अपने सक्सेना जी के पास में है, लेकिन उसके बाद हम लोग ने देख चुका है कि क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन बीजेपी का जो काम है वो सारे शहर में देख रहे हैं, सारे शहर में देख, सारे देखने को मिला। तो ऐसा नहीं हो कि लोग बोले कि ये विद्यानाथ जब वहीं गया उन्हीं लोगों से बात की जो बीजेपी के फेवर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा मुझे आप पहले से, मैं आपको जानता, जान पहचान तो नहीं ना कोई हमारी? नहीं नहीं सर। ठीक है, हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजदीप है। क्या लगता है राजदीप जी? सबसे पहले चीज तो आपको एक जवाब दे दूं, जहाँ पर आप खड़े हैं यहाँ पर एक ऐसा स्पॉट है कि आपको शहर के हर एक वर्ग मिलेगा, प्राइवेट भी मिलेगा, बिजनेसमैन भी मिलेगा, और एक नॉर्मल जो व्यक्ति है वो भी आता है, और डेफिनेटली 8 विधानसभा में इस बार बीजेपी आएगी। जो कांग्रेस ने क्या किया है क्या नहीं किया वो सारा सबको पता है, और यहाँ जो डेवलपमेंट हो रहा है जबलपुर में, मध्य प्रदेश में, वो पूरी की पूरी जो देन है वो मध्य शिवराज सिंह चौहान जी की है। लेकिन वो कह रहे हैं, कांग्रेस ही कह रहे हैं कि 15 महीने की सरकार में हमने इतनी सारी अच्छी अच्छी योजनाएं लेकर आए और इतना काम कर दिया कि वो लोगों को याद है और कांग्रेस वापस आएगी। दादा, योजनाएं सिर्फ पन्नों में रही है, धरातल में कुछ नहीं है। धरातल में कुछ, आज विधानसभा में इनके विधायक है, आप उनसे उनकी जानकारी, उनकी रिपोर्ट कार्ड उनके खुद पूछेंगे तो वो खुद ही बता देंगे उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। पार्षदों के मतों में अपने बोर्ड लगाना, महापौरों के मतों में अपना बोर्ड लगाना, खुद का विकास उनको पता नहीं है। कोरोना में पूरी सब्जी बांट के वो बोलते हमने बहुत विकास कर दिया, लोगों की मदद कर दी,
ऐसे संकट काल में तो बहुतों ने बहुतों की मदद की थी, तो उसको आप विकास की गणना में ले लेंगे क्या? सनातन पर परीक्षा होने वाली है यहाँ कांग्रेस की, क्यों नहीं होगी सर? सनातन से हम पैदा हुए, सनातन से पूरा देश है, सनातन से दुनिया है, और आप उसी पे चोट करेंगे। और आप ही के अलायंस का है, आप विरोध भी नहीं करते उससे खुल के। अगर आप विरोध भी कर देंगे तो एक तरह से हम आपके पक्षधार भी बन जाए कि चलिए ठीक है आपने खुल के विरोध किया। आप विरोध क्या करते हैं आप? सर मैं बिजनेसमैन हूँ, बिजनेसमैन हूँ, लेकिन देखिए इनकी नजर बड़ी तगड़ी है एकदम पॉलिटिक्स पर, सब कुछ देखते पढ़ते समझते रहते हैं। सर मैं एडवर्टीजमेंट कंपनी से हूँ और मेरा होर्डिंग्स का काम है, पेपर है, पब्लिसिटी। किसके होर्डिंग ज्यादा लग रहे हैं सर? ऐसा है वो तो मीडिया के ऊपर, देखिए ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा तो नरेंद्र मोदी के ज्यादा लगते हैं। और दोनों आम आदमी पार्टी भी कर रही है काम, जिसका बजट जैसा हो जाए जनरेट वो काम दे देता है। हम तो व्यापारी आदमी है, जिसका काम मिल जैसा कर लेते हैं। सबका काम करेंगे लेकिन जाएंगे, हमारी मोदी जी के साथ है और सभी से निवेदन है मोदी जी को सपोर्ट करें, निरंतर विकास के लिए वही अग्रसर है और सबका साथ सबका विकास है। जो उनकी सोच है वो उनकी नीति है, कार्यनीति भी उनकी शैली वही है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। हालांकि देखिए यहाँ पर जितने लोगों से बात हुई, मुझे लगता है कि 95% जो मत अगर यहाँ से बात की निचोड़ में निकालूं तो 95% लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो कह रहे हैं कि बीजेपी आएगी महाकौशल, जबलपुर और मध्य प्रदेश में, और यहाँ की तो कम से कम 8 सीटें बीजेपी को जा रही हैं, ऐसा इन लोगों का मानना है।